नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ करंट अफेयर्स को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। 15 अप्रैल से 5 राज्यों में माल ढुलाई के लिए इंस्टा स्टेट ई वे बिल जारी होगा। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश 50,000 रुपये से अधिक की कीमतों की आवाजाही स्टार्ट हो जाएगी। 15 अप्रैल से ई वे बिल भी लागू हो जाएगा। अंतर्राज्यीय माल ढुलाई के लिए ई वे बिल 1 अप्रैल से लागू है। अभी तक 63 लाख ई वे बिल जारी हो चुके हैं। नेक्स्ट, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की गश्त। अमेरिका और चीन सागर के बीच के मसले के बाद चीन सागर पर भी विवाद गहराने के आसार बढ़ गए हैं। मंगलवार को अमेरिका ने विवादित दक्षिण चीन सागर को गश्त कर चीन को चुनौती भी दी है। यहां अमेरिका के शक्तिशाली विमान वाहक पोत थियोडोर रूजवेल्ट से अमेरिका लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। यह एक तरह से अमेरिका का सैन्य प्रदर्शन था। नेक्स्ट, IPL 11 में दूसरा मैच। दो सीजन के बाद IPL खेल रही है चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराकर इस सीजन में दूसरी जीत हासिल की है। नेक्स्ट, मोहम्मद अनस याहिया पूर्व धावक मिल्खा सिंह के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की दौड़ के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। संयुक्त रूप से सबसे तेज धावक रहे अनस, रेस पूरी कर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। मिल्खा ने 46.6 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता था। स्टार्ट करते हैं आज का विशेषांक, इतिहास के कुछ प्रमुख तत्व। एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया एप्पल वन कंप्यूटर। 11 अप्रैल 1976 में आईटी कंपनी ने एप्पल वन नामक अपना पहला कंप्यूटर बाजार में उतारा था। इसे अमेरिकी इंजीनियर वॉजनेक ने बनाया था। इसकी शुरुआती कीमत $666.66 थी। नेक्स्ट, खाद्य तेलों के लिए बनेंगे नए मानक। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने साझेदारों को 15 अप्रैल तक सुझाव देने के लिए कहा है ताकि मानकों को जरूरी संशोधन और सुधार किया जा सके। नेक्स्ट, सीरिया को लेकर भिड़े अमेरिका और रूस। सीरिया में रासायनिक हथियार के हमले को लेकर अमेरिका और रूस आपस में भिड़ गए हैं, जिसमें अमेरिका ने सीरियाई नागरिकों की मौत के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि रूस ने बोला है कि ये एक फेक न्यूज़ है। और इससे जुड़े और भी आंकड़े हैं जो हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, विश्व हिंदी सम्मेलन का लोगो व वेबसाइट लॉन्च होने वाला है। मॉरिशस के शिक्षा मंत्री ने कहा है विश्व हिंदी सम्मेलन 11वें संस्करण का लोगो व वेबसाइट लॉन्च किया जाना है। यह सम्मेलन इस साल 18 से 20 अगस्त को आयोजित होगा। शिक्षा मंत्री लीला देवी दोखुन ने कहा है कि आज हिंदी की हालत ऐसी हो गई जैसे पानी में डूबते हुए जहाज के जैसे। नेक्स्ट, कार बाजार में मारुति सुजुकी का सिक्का। देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी का दबदबा घरेलू बाजार में बढ़ता ही जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कारों की बिक्री के जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उनके मुताबिक देश में जो 5 कारें सबसे ज्यादा बिकने वाली हैं वो मारुति सुजुकी की ही हैं। और यही नहीं, देश की 10 कारों में भी मारुति सुजुकी का नाम शामिल हो गया है। तो हम देश की 10 कारों की लिस्ट हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और हम लगातार आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं सर्वाधिक बिकने वाली 10 कारों की लिस्ट, कंपनी और उसका मॉडल। मारुति सुजुकी ऑल्टो, मारुति सुजुकी डिजायर, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, मारुति सुजुकी वैगनार और हुंडई की i10 और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और हुंडई की i20, हुंडई का क्रेटा और मारुति सुजुकी सिलेरियो और मारुति सुजुकी बलेनो। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में सीरिया रासायनिक हमले को लेकर कौन से देश आमने सामने आए हैं? तो आपका आंसर है रूस और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गत वर्ष में किस कार निर्माता कंपनी ने शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो आपका आंसर है मारुति सुजुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य उत्पाद मानकों पर किस संस्था का नियंत्रण रहता है? तो आपका आंसर है FSSAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई वे बिल योजना का प्रथम चरण केंद्र सरकार कितने राज्यों में लागू कर रही है? और आपका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हिंदी सम्मेलन इस वर्ष किन तिथियों पर प्रस्तावित किया जाएगा? और आपका आंसर है 18 से 20 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण चीन सागर विवाद में चीन को चुनौती देने वाली शक्ति कौन सी है? तो आपका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में भारत के पूर्व धावक मिल्खा सिंह के बाद किसने दस्तक दिया? तो आपका आंसर है मोहम्मद अनस याहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एप्पल वन कंप्यूटर की शुरुआत की कीमत क्या थी? और आपका आंसर है $666.66।
स्टार्ट करते हैं आज का ज्ञान। आज का ज्ञान है अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। नमस्कार एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा हमारे वीडियोज। थैंक यू।